नमस्कार दोस्तों, SBI सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहा और आज ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो दोस्तों, भारतीय बाजारों में लगातार तेजी बनी हुई है। हालांकि कल का मार्केट थोड़ा सा फ्लैट क्लोजिंग हुआ था, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में एक्शन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला, जहाँ पे सेंसेक्स की बात होती है करीब 14 पॉइंट ऊपर जाकर के 81,712 के आसपास बंद है, जबकि निफ्टी में बढ़त केवल 7 पॉइंट की रही और 25,018 के लेवल पर क्लोज हुआ है। जैसे मैंने बताया कि ब्रॉडर मार्केट में एक्शन काफ़ी अच्छा था, तो यहाँ पे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स लगभग 0.5% और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1% ऊपर बंद हुए हैं। आइए बात करते हैं टॉप गेनर्स की। तो यहाँ बजाज फिनसर्व, मारुति, L&T, इन्फोसिस, सन फार्मा, एक्सिस बैंक, ये कुछ टॉप गेनर्स रहे हैं निफ्टी। जो कि गिरने वाले जो शेयर रहे हुए JSW स्टील, टाइटन, HUL, NTPC, टाटा मोटर्स, ITC और टेक महिंद्रा। बात करते हैं सेक्टरल परफॉर्मेंसेस की। तो यहाँ पे BC टेलीकॉम इंडेक्स सबसे बड़ा गिनर है, जहाँ बढ़त लगभग 1.1% की रही है। BFSI सेगमेंट में करीब 0.7% बढ़त देखी गई। IT इंडेक्स लगभग 0.5% ऊपर बंद हुआ है। हेल्थ केयर इंडेक्स लगभग 0.5% ऊपर बंद हुआ है, जबकि सबसे ज़्यादा गिरने वाले जो शेयर जो इंडेक्स थे वो हैं FMC, जहाँ पर गिरावट लगभग 0.9% की रही, और मेटल इंडेक्स लगभग 0.9% नीचे बंद हुआ है। मार्केट बेस अच्छा था दोस्तों, 2150 कंपनियाँ एडवांस कैटेगरी में और 1812 कंपनियां डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। इस बीच करीब 198 ऐसी कंपनियां जिन्होंने 52 सप्ताह का नया हाई बनाया है, जैसे अशोक लेलैंड, बंसल वायर, ई क्लक्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज, HDFC, AMC, वोल्टास और वेल्सपन लिविंग, जबकि 16 ऐसे नए स्टॉक हैं जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया है। FIDI की बात करें तो यहाँ पर FII ने कल के सेशन में बाइंग की है, करीब 1504 करोड़ रुपये की बाइंग की, जबकि DII ने 604 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में आएंगी। तो दोस्तों, पहला है ICICI प्रोडक्शन लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पे कंपनी का जो है करीब 429 करोड़ रुपए का एक GST डिमांड मिला हुआ है महाराष्ट्र टैक्स अथॉरिटी के द्वारा, तो ये थोड़ा सा कंपनी के लिए नेगेटिव है। गोदरेज एग्रोवेट, यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि जो गोदरेज टाइसन कंपनी है वहाँ पे कंपनी ने अपना स्टेक जो है वो बढ़ा दिया है, और कंपनी ने करीब 49% का स्टेक जो है एक्वायर किया हुआ है एडिशनल, तो ये कंपनी के न्यूट्रल टू पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। जेंसर इंजीनियरिंग ने US में एक नई सब्सिडी का गठन किया हुआ है, यहाँ पे कंपनी जो है आगे चल करके बड़े मार्केट्स को टारगेट करने वाली है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। PNC इंफ्राटेक को जो है 380 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है उत्तर प्रदेश और बिहार से, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। आदित्य बिरला कैपिटल में कंपनी ने जो है करीब 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है राइट इशू के जरिए, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। इंडोस्टार कैपिटल ने कहा है कि उन्होंने कुछ स्ट्रेस एसेट्स को जो है बेचा हुआ है एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज को, और ये डील करीब 357 करोड़ रुपये की है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस, यहाँ कंपनी ने कहा है कि उन्होंने 300,000 स्क्वायर फीट का एक नया जो है प्रोजेक्ट जो है वो साइन किया हुआ है, तो ये कंपनी के लिए जो है वो पॉजिटिव है। स्कीपर्स ने कहा है कि कंपनी करीब 600 करोड़ रुपए का जो है वो फंड रेज करने वाली है डेट इक्विटी के जरिए, तो ये कंपनी के लिए जो है न्यूट्रल डेवलपमेंट है। जियो फाइनेंशियल्स ने कहा है कि उन्होंने करीब 6.8 करोड़ शेयर जो है एक्वायर किए हैं जियो पेमेंट बैंक के अंदर 68 करोड़ रुपए में, और कंपनी का जो होल्डिंग है वो बढ़ करके अब लगभग 82% पहुँच चुका है, तो ये कंपनी के लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इंडिया मार्ट इंटर में दोस्तों आज फोकस में है, कंपनी ने कहा है कि उन्होंने एक यूनिट जो है सेकेंड एल डिजिटल जो है एक्वायर जो है उन्होंने इंकॉर्पोरेट किया हुआ है डिजिटल मार्केट प्लेस और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के लिए, तो ये कंपनी के लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव डेवलपमेंट लग रहा है दोस्तों। UPL ने कहा है कि उन्होंने 20% का स्टेक अक्वायर किया हुआ है PT Access में करीब $7 मिलियन में, तो ये कंपनी के लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। NBCC ने कहा है कि वो आने वाले समय में 31 अगस्त को जो है बोनस के लिए जो है सोच विचार कर रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। कार्सिल ने कहा कि कंपनी का जो UK यूनिट्स है उसमें 30% का स्टेक जो बचा था उन्होंने उसको अक्वायर कर लिया है, जो कि एक यॉर्कशायर बेस्ड कार्सिल ब्रासवायर है,
और ये डील करीब 3.5 लाख पाउंड में हुई है। तो ये न्यूट्रल पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के लिए। अगर बात करें आज आईपीओ मार्केट के, तो यहाँ पे आज ओरियंट टेक्नोलॉजी की जो है लिस्टिंग है दोस्तों, और 206 रुपये का दोस्तों ये इशू प्राइस था, और इशू जो लगभग 152 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो आज हम एक्शन देख सकते हैं प्राइमरी मार्केट में। उसके अलावा इको इंडिया मोबिलिटी हॉस्पिटैलिटी का जो है आज आईपीओ खुलने वाला है सब्सक्रिप्शन के लिए, और 318 से 334 का जो है प्राइस बैंड है, और 601 करोड़ रुपये का जो है इशू साइज है। आगे बात करते हैं ब्लॉक डील्स की, तो यहाँ पे ट्रेंड के अंदर जो है दोनों होल्डिंग्स ने करीब 6,78,000 शेयर बेचे हुए हैं 6,925 रुपये पर शेयर पर, जबकि यहाँ पे सिद्धार्थ योग बुनकरी करीब 6,78,000 शेयर जो है खरीदे हैं उतने ही प्राइस पे, यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड हुआ है। टाटा टेक्नोलॉजी में जो है टीपीजी राइज ने करीब 1,21,00,000 शेयर बेचे हुए, जो कि लगभग 3% का स्टेक है 1,014 रुपये पर शेयर पे, और यहाँ पे बायर जो कुछ FIIs हैं, तो यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड हुआ है। आवास फाइनेंशियल में अमनसा होल्डिंग ने करीब 17,50,000 शेयर जो है वो बेचे हैं 1,690 रुपये पर शेयर पे। यहाँ पे जो बायर्स हैं वो ज़्यादातर जो है म्यूचुअल फंड कंपनियाँ हैं, तो यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड हुआ है। रोलेक्स रिंग के अंदर ICICI प्रोडक्शन म्यूचुअल फंड ने करीब 3,19,000 शेयर्स जो है बेचे हैं 2,425 रुपये पर शेयर पे, और यहाँ जो बायर हैं वो जो है अलग अलग एंटिटीज़ हैं, उनमें से कुछ म्यूचुअल फंड भी, जैसे SBI म्यूचुअल फंड है या फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है वगैरह। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर दोस्तों यहाँ पे अनिल कोटरू ने करीब 20,00,000 शेयर बेचे हुए हैं 121 रुपये पर शेयर पे। तो ये कुछ कंपनियाँ जहाँ पे जो है वो बल्क डील हुई है। अगर बात करें इन सारे ट्रेड्स की, तो यहाँ पे इन्फो एज या नौकरी के अंदर जो है प्रमोटर ने जो है थोड़ा सा स्टेक बेचा हुआ ओपन मार्केट के अंदर, और ADA फूड्स में भी करीब प्रमोटर ने करीब 75,000 शेयर जो है वो बेचे हैं 23 और 26 अगस्त के बीच में। तो यहाँ पे इन सारे ट्रेड्स हुई हैं। और बात करें आज कॉर्पोरेट एक्शंस की, तो आज यहाँ पे GTND हिंदुस्तान जिंक फोर्स मोटर और सिगाची इंडस्ट्रीज़ का जो है डूडन के लिए एक्सडेट है। तो दोस्तों ये सारी कंपनियाँ फोकस में रहेंगी। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज की ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Read all the related documents carefully before investing.